शुरू होती है और हम बड़वा बैंगन नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो हमें अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जब वो बचपन में अपने भाई के साथ खेलने जाया करता था तो उसकी माँ उसे अपना बनाया हुआ लंगोट पहनाकर बेचती थी, जिसको पहनने से उसके टट्टों की जाती थी और इसी वजह से वो अपनी माँ से भी हमेशा नाराज रहता था। बड़वा बैंगन जब 12 साल का था तो उसे नाई की दुकान पर जाना बहुत पसंद था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद इस बच्चे को अपने बाल कटवाने का बहुत शौक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस दुकान पर चूची बाई नाम की एक औरत काम करती थी जिसकी चूचियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी। चूची बाई शादीशुदा नहीं थी, लेकिन शहर के सभी मर्दों के साथ उसके नाजायज संबंध थे। भड़वा बैंगन जब चूची बाई से अपने बाल कटवाने जाता तो उसके शरीर की खुशबू को सूंघकर भड़वा बैंगन का छोटा चेतन खड़े होकर सलामी देने लगता। अब इसके बाद से भड़वा बैंगन दिन रात सिर्फ चूची बाई के बारे में ही सोचने लगा और वो उसके प्यार में इस कदर पागल हो गया कि उसे किसी दूसरी चीज का होश ही नहीं होता था। फिर एक दिन जब भड़वा बैंगन के बाप ने उससे पूछा कि वो बड़ा होकर क्या करना चाहता है, तो वो कहता है कि मैं एक हेयर ड्रेसर से शादी करना चाहता हूँ, मतलब मैं एक नाई से शादी करना चाहता हूँ। अभी सुनकर उसके बाप के दिमाग का भांग बोसड़ा हो जाता है और वो उसे एक जोरदार चमाट लगाता है। लेकिन जब भड़वा बैंगन ने गुस्से में अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया तो फाइनली उसका बाप मान गया और बोला कि तुझे जो करना है कर, गांड मरा, मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी सुनकर भड़वा बैंगन खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो मैं सीधा जाकर चूची बाई को बजा डालूंगा। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम भड़वा बैंगन को देखते हैं जो कि अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी शादी की उम्र भी अब निकल चुकी है। लेकिन अब तक उसने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो सिर्फ एक हेयर ड्रेसर से ही शादी करना चाहता था। हम देखते हैं कि भड़वा बैंगन बीमार भूसड़ी नाम की एक लड़की को पसंद करता था और हर हफ्ते उससे बाल कटवाने उसकी दुकान पर भी जाता था। लेकिन बीमार भूसड़ी सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखती थी, जिस वजह से वो काफी अकेली भी थी। दरअसल पहले वो उसी दुकान पर काम किया करती थी, लेकिन एक दिन जब उस दुकान का मालिक रिटायर हो गया तो उसने बीमार भूसड़ी को वो दुकान संभालने के लिए दे दी। लेकिन उसकी इस तरक्की से उस दुकान पर काम करने वाली बाकी लड़कियां उससे जलने लगी और फिर धीरे धीरे करके सभी उसे अकेला छोड़कर वहां से चली गईं, जिसके बाद बीमार भूसड़ी को अकेले ही वो दुकान चलानी पड़ी। हम देखते हैं कि भड़वा बैंगन की दोस्ती बीमार भूसड़ी से तब हुई जब वो अपनी लाइफ में पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। भड़वा बैंगन बीमार भूसड़ी से दिलो जान से प्यार करता था, लेकिन बीमार भूसड़ी उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी। एक दिन भड़वा बैंगन को याद आता है कि बचपन में उसके बाप ने उससे कहा था कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जिसके बाद वो बीमार भूसड़ी के पीछे एक भूखे नंगे भेड़िए की तरह पड़ जाता है और उसे अपनी दिल की बात बताने के लिए उसके पास जाता है। भड़वा बैंगन जब उसके हाथों से अपने बाल कटवा रहा था तभी उसके शरीर से आने वाली खुशबू से उसे उसके बचपन के प्यार चूची बाई की याद आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बचपन में जब रोज की तरह भड़वा बैंगन चूची बाई को देखने के लिए जाता है तो वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि चूची बाई ने खुदकुशी कर ली है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद बाल कटवाते वक्त भड़वा बैंगन बीमार भूसड़ी से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन बीमार भूसड़ी इसका कोई जवाब नहीं देती, जिस पर भड़वा बैंगन उससे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। उस रात वो सिर्फ बीमार भूसड़ी के बारे में ही सोचता रहता है और अब वो उसके प्यार में पूरी तरह बावली गांड हो चुका था और वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो कुछ दिनों बाद फिर से उसकी दुकान पर जाता है। लेकिन इस बार बीमार भूसड़ी उसके सामने ऐसा दिखाती है जैसे वो उसे पहचानती ही नहीं। फिर बाल कटवाने के बाद भड़वा बैंगन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बीमार भूसड़ी उसे रोककर कहती है कि उस दिन जो तुमने मुझसे शादी की बात की थी मैं उससे काफी इम्प्रेस्ड हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अभी सुनकर भड़वा बैंगन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका बचपन का सपना जो कि एक हेयर ड्रेसर से शादी करने का था अब फाइनली पूरा होने जा रहा था। अब इसके बाद से वो बीमार भूसड़ी के साथ ही अपना ज्यादातर समय बिताता है, जिस दौरान वो एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। इसी दौरान जब भड़वा बैंगन अपने बाप को बताता है कि वो एक हेयर ड्रेसर से शादी करने जा रहा है तो ये सुनकर उसके बाप को हार्ट अटैक आ जाता है और वो ऊपर पहुंच जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम भड़वा बैंगन की शादी देखते हैं, जहां पर उसका भाई उसे शादी का तोहफा देता है जो कि वही लंगोट था जिसको पहनकर भड़वा बैंगन के टट्टे सूज जाया करते थे। वहीं बीमार भूसड़ी ने अपनी शादी में सिर्फ उस दुकान के पुराने मालिक को ही बुलाया हुआ था। इसके बाद जब वो सभी बातें कर रहे थे तभी उस दुकान पर एक आदमी आता है जो कि अपनी दाढ़ी कटवाने आया था। अब उस दिन बीमार भूसड़ी की शादी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसका काम कर देती है। जिसके बाद जब वो आदमी अपनी दाढ़ी कटवा कर वहाँ से चला जाता है तभी भड़वा बैंगन खुशी के मारे सलमान भाई वाला डांस करने लगता है।
इसके बाद वो दोनों एक छोटे से हनीमून पर जाते हैं और हनीमून से वापस आने के बाद वो दोनों अपना ज्यादातर समय उसी सैलून के अंदर एक साथ बिताते हैं। फिर एक दिन उनकी दुकान पर एक आदमी हड़बड़ाते हुए आता है और बीमार भोसड़ी को जल्दी से जल्दी उसके बाल काटने को कहता है। फिर कुछ देर बाद उसके पीछे पीछे वहाँ पर उसकी वाइफ भी आ जाती है और उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी वाइफ के जाने के बाद वो आदमी बीमार भोसड़ी से कहता है कि उसकी वाइफ बहुत अच्छी है और उसके 3 बच्चों के साथ साथ वो उसके घर को भी बहुत अच्छे से संभालती है। अब कुछ देर तक अपनी वाइफ की तारीफी करने के बाद वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। अब इतने ही टाइम में वो दोनों भी समझ जाते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी को क्या क्या झेलना पड़ता है। लेकिन अभी तो इन दोनों का प्यार नया नया था तो ये दोनों दिन रात एक दूसरे के साथ घचाघच करके ही अपना मनोरंजन किया करते थे। फिर एक दिन सैलून के अंदर एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है जो कि वहाँ पर आने से डर रहा था। वहीं बीमार भोसड़ी उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाती। लेकिन तभी भड़वा बैंगन उस बच्चे के सामने अपना सलमान भाई वाला डांस करने लग जाता है। जिसको देखकर वो बच्चा चुप हो जाता है। अब उस बच्चे को देखकर भड़वा बैंगन को लगने लगता है कि शायद वो और बीमार भोसड़ी कभी भी बच्चा नहीं चाहेंगे, क्योंकि बच्चा होने के बाद बीमार भोसड़ी मोटी हो जाएगी जिस वजह से उन दोनों के बीच में जो प्यार है वो भी कम हो जाएगा और वो दोनों इस खूबसूरत एहसास को कभी कम नहीं होने देना चाहते थे। अब ऐसे ही घचाघच करते हुए उन दोनों को साथ में 10 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि भड़वा बैंगन बीमार भोसड़ी से अभी भी उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे शादी से पहले करता था। वही बीमार भोसड़ी जब भी कस्टमर के बाल काटती थी तभी मौका मिलने पर भड़वा बैंगन उसकी कच्ची उतार कर उसकी हूत में अपना हाथ डाला करता था। हम देखते हैं कि इन 10 सालों में उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही बार झगड़ा हुआ था लेकिन वो दोनों एक दूसरे से माफी मांग कर सब कुछ ठीक कर लेते हैं। इसके बाद एक दिन सैलून में वो दोनों दबाकर घचाघच करते हैं जिसके बाद बीमार भोसड़ी उसे कहती है कि हम दोनों के बीच में जो प्यार है वो अब हमारे मरने के बाद ही खत्म होगा। फिर एक दिन जब वो दोनों दुकान पर थे तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जिसको उसकी वाइफ ने कई सालों पहले थप्पड़ मारा था। इसके बाद वो बीमार भोसड़ी को बताता है कि उसकी और उसकी वाइफ के बीच अब तलाक हो चुका है और साथ ही वो ये भी बताता है कि अब वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहा है और उसकी माँ के जाने के बाद वो बच्चे अब अनाथ हो चुके हैं। फिर अगले दिन बीमार भोसड़ी भड़वा बैंगन के साथ अपने पुराने मालिक से मिलने जाती है जो कि अब एक वृद्धाश्रम में रहता है। इसके बाद वो बूढ़ा बताता है कि बाहर की दुनिया इस वृद्धाश्रम से तो बहुत बेहतर है क्योंकि उसे ये जगह किसी जेल से कम नहीं लगती और वो अपने आखिरी पलों को ऐसे घुट घुट कर नहीं बिताना चाहता था। दूसरी तरफ इन सभी बातों से बीमार भोसड़ी भी समझ चुकी थी कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और एक ना एक दिन उसके और भड़वा बैंगन के बीच में जो प्यार है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो इस खूबसूरत एहसास को खत्म नहीं होने देना चाहती थी इसलिए वो भड़वा बैंगन के साथ आखिरी बार घचाघच करती है और उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उधर भड़वा बैंगन को लगता है कि शायद बीमार भोसड़ी उसके साथ मजाक कर रही है लेकिन ये कोई मजाक नहीं था। दूसरी तरफ बीमार भोसड़ी एक डैम के पास पहुंचकर पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका प्यार कुछ ही पलों के लिए हो, इसलिए वो अपनी जान देकर अपने प्यार को अमर कर देती है। और साथ ही हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ये साली दिमागी रूप से बीमार भी थी। बीमार भोसड़ी ने मरने से पहले भड़वा बैंगन को एक खत भी लिखा था जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया था कि मरने के बाद भी वो भड़वा बैंगन से हमेशा प्यार करेगी। इसके साथ ही उसने ये भी लिखा था कि अब भड़वा बैंगन उसे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि भड़वा बैंगन अब उसी सैलून में रहकर उसको चलाने लगता है और वो अपने आने वाले सभी कस्टमर्स के साथ काफी अच्छे से बात करता है और सभी को अपना सलमान भाई वाला डांस भी दिखाता है। वो सबके सामने ऐसा दिखाता है कि वो बीमार भोसड़ी को हमेशा के लिए भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ उसका एक दिखावा है जो कि वो अपने आप को खुश रखने के लिए करता है। असलियत में तो वो अंदर से एक जिंदा लाश बन चुका है जो सिर्फ बीमार भोसड़ी के बारे में ही सोचता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भड़वा बैंगन का जो पहला प्यार था उसने खुदकुशी करके अपनी जान दी थी और उसके आखिरी प्यार ने भी खुदकुशी करके ही अपनी जान दी है। लेकिन भड़वा बैंगन को अभी भी लगता है कि किसी दिन बीमार भोसड़ी इस दरवाजे से अंदर आएगी और अपने काम को वापस संभालेगी क्योंकि इस काम को उससे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।